अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। एक हदीस मुबारक है कि मज़दूर की जो मज़दूरी है उसके पसीने खुश्क होने से पहले उसको अदा की जाए। आइए बोर्ड की तरफ हम लोग स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 टॉपिक मेरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मीटर रूल क्या होता है। मीटर रूल लेंथ को मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम लोगों ने उससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने के लिए हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ किया। उसके बाद हमारा जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल से भी स्मॉलेस्ट रीडिंग लेने के लिए हम लोग स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। स्क्रू गेज लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं डायमीटर ऑफ द वायर। ये हमारे पास स्क्रू गेज है। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वायर है, उसका डायमीटर निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसकी शेप की बात करें तो ये यू शक्ल की होती है। यू से मुराद आप नहीं है, यू अम्ब्रेले वाला। यू शेप्ड होती है, फ्रेम बन होता है। ये हमारे पास है, अगर हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ये हमारे पास यू शेप्ड होती फ्रेम होता है। उसके बाद मेटल स्टड लगा होता है इसके साथ। ये आपके पास ये छोटा सा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको मेटल स्टड बोलते हैं। और ये हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर होता है। और ये हमारे पास जहाँ से मैंने थंब रखा है इसको थिम्बल बोलते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी शेप इस तरह की होती है। और जैसे ही हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, ये हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया, उसके बाद ये आवाज़ आ रही है, इसको बोलते हैं रैचेट बोलते हैं। और ये तब आती है आवाज़ जब इसका कंप्लीट ये क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेप के बाद नेक्स्ट बोर्ड पे आए, हम इसकी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? सबसे पहले पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अच्छा, ये हमारे पास एक लाइन बनी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये हमारे पास मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल होता है। ये जो आपके पास मूव हो रहा है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और ये जो हमारे पास है मेन लाइन है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन होती है मेन स्केल के ऊपर, इसको इंडेक्स लाइन बोलते हैं। और इसकी अगर हम पिच की बात करें तो ये जो आपके पास नंबर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ डिवीज़न जो बनी हुई हैं मेन स्केल की, इसकी जो ये पहले हम पिच की बात कर लें फिर हम इसके लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट से लेकर सेकंड लाइन तक दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। उम्मीद है कि आप लोगों को पिच की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट और उस सेकेंड जो आपके पास लाइन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच मेन स्केल का। अच्छा, जो पिच होती है ऑफ द स्क्रू गेज उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ये हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है इस नंबर पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और जो सर्कुलर स्केल हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसका जो लीस्ट काउंट है उसकी बात अगर हम लोग करें तो पिच ऑफ द स्क्रू 1/10 होता है लीस्ट काउंट। और ये हमारे पास 0.01 को करें तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आता है। उसके बाद अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में बात करें इसके लीस्ट काउंट की, तो वो हमारे पास है लीस्ट काउंट आता है 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गेज।
हमने पहले बात की थी कि मीटर रूल, उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर की बात की, तो वो हमारे पास उसका 0.1 मिलीमीटर था, लेकिन इसका क्या है, 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज, यानी कि उससे भी स्मॉलेस्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रू गेज से। उसके बाद अगर सेंटीमीटर हमारे पास था वर्नियर कैलिपर का 0.01, लेकिन ये हमारे पास लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। उम्मीद है कि लीस्ट काउंट की और पिच की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आ जाएं, ये हमारे पास है जीरो एरर, ये आपके पास स्क्रू गेज है, ये मेरे पास ओपन है। जैसे कि हम लोगों ने इसको, ये बोर्ड है, इसकी मेजरमेंट करने के लिए, या वायर है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। जब मेजर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, या हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये देख लें, जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये देख लें कि जीरो और जीरो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल ये दोनों इक्वल आ जाएं लाइन में, तो ये हमारे पास होता है नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। ये अगर हम लोगों ने छोटी सी एक डायग्राम भी बनाई हुई है, इधर भी अगर आप लोग देखें तो आ जाएं कि ये हमारे पास है मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये हमारे पास जो है ये सर्कुलर, स्केल होता है। अगर ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल एक ही लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दूसरे के इक्वल हों, तो इसमें नो जीरो एरर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है, इसी तरह सिमिलरली ये हमारे पास मेन स्केल है और ये आपके पास क्या है, सर्कुलर। ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, पॉजिटिव एरर। इसी तरह ये आपके पास जो मेन स्केल और ये दूसरा आपके पास क्या है, सर्कुलर स्केल जो है, ये आप लोग छोटी सी डायग्राम बनी इधर आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, मेन स्केल जीरो एरर। इससे अगर ऊपर आ जाए, राइट साइड पर आ जाए, राइट साइड आ जाए जीरो सर्कुलर स्केल की, तो वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एरर। इसी तरह का हम इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव एरर। क्या होता है नेगेटिव एरर, इसी तरह छोटी सी डायग्राम है, इसको देखें तो ये ही आपके पास जो मेन स्केल है, इससे नीचे अगर नीचे आ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर सर्कुलर स्केल की जीरो आ जाती है, तो ये आपके पास होता है नेगेटिव एरर। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, ले लें। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।